तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे बात, वो स्टार्ट करेंगे हम हीट इंजन से, और फाइनली कहाँ तक पहुँचेंगे, क्लॉसियस इनइक्वालिटी या फिर क्लॉसियस थ्योरम तक। तो क्लॉसियस थ्योरम क्या कहती है, डायरेक्ट फाइनल पे जहाँ पे कंक्लूजन पे पहुँचना है हमें, वो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कि साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू बाई टी विल बी लेस देन और इक्वल टू जीरो, ये क्लॉसियस इनइक्वालिटी है। तो क्लॉसियस ने ऐसा स्टेटमेंट कैसे दे दिया कि साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू बाई टी इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, तो ये मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है और आखिर में इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी प्रूफ आया कहाँ से, तो ये हम देखेंगे। इसका प्रूफ मैं डायरेक्टली 5 मिनट का है वो भी मैं बता सकता हूँ आपको, ठीक है। तो मैं चैप्टर्स दे दूंगा इस दोनों वीडियोज़ में, ये जो वीडियो है वो 2 पार्ट्स में आएगा। तो डायरेक्टली जिनको प्रूफ देखना है कि डेल क्यू बाई टी इज लेस देन और इक्वल टू जीरो ये कैसे आता है, तो वो भी देख सकते हैं। बट अगर आपको क्लियरली समझना है पूरी चीज़ है एक एक करके ए बी सी डी इसकी, तो वो यहाँ से स्टार्ट होता है साइक्लिक हीट इंजन से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइक्लिक हीट इंजन क्या होता है। तो इसके नाम में ही सबसे पहले लिखा हुआ है इंजन, तो इंजन का जो मीनिंग होता है वो होता है एनी डिवाइस दैट कैन प्रोड्यूस ए वर्क इज कॉल्ड हीट इंजन, सॉरी इंजन। तो हमारे जो दिमाग में इंजन की जो एक इमेज बनी हुई है वो है कि जो हमारी कार या फिर जो बाइक्स में जो इंजन होता है उसी को इंजन कहते हैं, बट ऐसा नहीं है। इंजन बहुत सारे तरह के होते हैं, जो कि ओपन सिस्टम भी इंजन हो सकते हैं, ओपन सिस्टम पे भी यानी कि स्टेडी फ्लो पे भी वर्क कर सकते हैं और क्लोज सिस्टम पे भी वर्क कर सकते हैं। अब जो हीट इंजन होता है, हीट इंजन क्या होता है, ऐसा इंजन जो कि हीट को एज ए इनपुट लेता हो और वर्क आउटपुट हमें एक मैकेनिकल वर्क आउटपुट हमें प्रोवाइड करता हो। अब ये हीट इंजन दो तरह से वर्क करता है, एक होता है क्लोज सिस्टम भी हो सकता है और ओपन सिस्टम यानी कि स्टेडी फ्लो भी हो सकता है। तो आपने जो हीट इंजन के जो डायग्राम्स अभी तक किताबों में या बुक्स में एग्जाम्स जब सॉल्व करते होंगे क्वेश्चन, तो उसमें देखे होंगे कि एक सोर्स होता है जो T1 टेम्परेचर होता है, Q1 अमाउंट की हीट हम सप्लाई करते हैं, W अमाउंट का वर्क हमें ये प्रोवाइड करता है, Q2 अमाउंट की हीट रिलीज करता है। तो ये आखिर में हीट इंजन एक्चुअल में फिजिकली कैसा होता है वो हम देखते हैं अभी, ठीक है। तो ये दो हीट इंजन मैंने अभी बताया, क्लोज सिस्टम भी हो सकता है और ओपन सिस्टम पे भी वर्क कर सकता है, क्लोज सिस्टम हीट इंजन, और यहाँ पे देखेंगे स्टेडी फ्लो हीट इंजन। ये दोनों क्लोज सिस्टम और स्टेडी फ्लो हीट इंजन, ये दोनों के डायग्राम जो होता है एक्चुअल में, जो क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड तो बनाते नहीं है, तो इसलिए सिंपल ये डायग्राम हम दोनों के लिए सेम ही होगा। ये क्लोज सिस्टम में पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट होगा, ये हमारा पिस्टन है और यहाँ पे कुछ गैस भरी हुई है और ये इसका बाउंड्री है और ये हमारा है क्या सिस्टम। अब इस सिस्टम में हमने Q1 अमाउंट की हीट को सप्लाई किया, ये जो Q1 है ये Q1 अमाउंट की हीट को सप्लाई किया, तो क्या होगा जब हम हीट को सप्लाई करेंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और ये गैसेस एक्सपांड होंगी, तो इस गैस ने, इस पिस्टन ने ये यहाँ पे यहाँ से मूव किया, तो इसने कुछ WE अमाउंट का वर्क हमें आउटपुट में मिला। अब जब हम पिस्टन को वापस से इसमें गैस को कंप्रेस करेंगे, मान लेते हैं कि WC अमाउंट का वर्क हमने इस पिस्टन पे लगाया, तो इसने हीट कुछ रिलीज की, Q2 अमाउंट की हीट को रिलीज किया, तो ये हमारा इनिशियल पोजीशन पे आ गया, यानी कि स्टेट 1 से 2 में गया और 2 से फिर 1 में आ गया, तो ये एक साइकिल में काम किया। और ये क्योंकि क्लोज सिस्टम है, क्योंकि कोई भी मास का इंटरेक्शन सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं हो रहा है, केवल और केवल हीट का हो रहा है, तो ये हमारा क्लोज सिस्टम हीट इंजन हो गया। अब ये हीट इंजन इंजन ही क्यों बोल रहे हैं हम इसे, क्योंकि ये हमें आउटपुट में कुछ वर्क दे रहा है WE अमाउंट का, और हीट इंजन क्यों कहा, क्योंकि ये Q1 अमाउंट की हीट को ले रहा है और उसी हीट के जरिए हमें वर्क आउटपुट दे रहा है, तो ये हो गया हमारा क्लोज सिस्टम हीट इंजन, ठीक है। अब मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि नेट हीट इंटरेक्शन इन ए साइकिल इज इक्वल टू नेट वर्क इंटरेक्शन इन ए साइकिल, ठीक है। तो नेट हीट का इंटरेक्शन कितना हुआ है, Q1 अमाउंट की हीट दी हमने, Q2 अमाउंट की हीट इसने रिलीज की, तो नेट कितनी हो गई, Q1 माइनस Q2, और नेट वर्क कितना है, WE माइनस WC, ये हमारा हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग इसका। अब स्टेडी फ्लो हीट इंजन क्या होता है, तो इसको मैं एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करता हूं। ये होगा हमारा स्टडी फ्लो हीट इंजन, इसमें क्या हो रहा होगा कि एक फ्लूइड फ्लो हो रहा होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ बॉयलर या फिर कोई बॉयलर लगा होगा, और ये सोर्स क्या होगा हमारा, फर्नेस होगा, ये रिजर्वायर है, यानी कि यहाँ पे ये जो फ्लूइड है वो कुछ अमाउंट की हीट को गेन कर रहा होगा और वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा, और ये वेपर्स क्या कर रहे होंगे, टर्बाइन की ब्लेड्स में जाके टकरा रहे होंगे और उस टर्बाइन के ब्लेड्स को रोटेट कर रहे होंगे, और वो शाफ्ट या फिर रोटर के जरिए हमें कुछ वर्क आउटपुट मिल रहा है WT अमाउंट का, और जो Q1 अमाउंट की हीट सप्लाई की हमने सोर्स टेम्परेचर T1 से इस फ्लूइड में, वही हमारी क्या है, Q1 है। अब ये टर्बाइन से होकर ये जो हमारा फ्लूइड है वो पर में अभी तो कंडेंस्ड होके ये इसने कुछ हीट को रिलीज किया, Q2 अमाउंट की हीट को रिलीज किया एट टेम्परेचर T2, एटमॉस्फेयर भी कह सकते हैं इसको, या फिर सिंक टेम्परेचर पे इसने कुछ Q2 अमाउंट को की हीट को रिलीज किया, फिर ये पंप के जरिए वापस से हमने इसके अगले हीट एक्सचेंजर में पहुंचा दिया या फिर यहाँ पे बॉयलर में पहुंचा दिया। तो वर्क जो इनपुट किया हमने वो कितना किया, WP अमाउंट का किया, यानी कि पंप ने जो वर्क किया इस फ्लूइड पे वो WP है, जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं WC से। तो अगर मैं इसके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखूं तो वो क्या होगी, मेरी नेट हीट इनपुट कितना हुआ होगा, Q1 माइनस Q2, इसके लिए भी सेम होगा, Q1 माइनस Q2 विल बी इक्वल टू टर्बाइन ने वर्क हमें कुछ दिया WT, और पंप ने से वर्क हमने किस पे किया, सिस्टम पे, तो WT माइनस हो जाएगा WP। और यहाँ पे अगर मैं एफिशिएंसी की बात करें, हम एफिशिएंसी क्या होती है हमारी, नेट वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय
हीट सप्लाइड, नेटवर्क आउटपुट कितना मिल रहा है मुझे WT-WP, और जो मेरा हीट इनपुट कितनी है Q1 अमाउंट की हीट दे रहा हूं मैं, तो WT-WP क्या लिख सकता हूं मैं, Q1-Q2, और अगर मैं Q1 का डिवाइड लगा दूं तो हो जाएगा मेरा 1-Q2/Q1। तो ये मेरा आ गया है एफिशिएंसी का फॉर्मूला, 1-Q2-Q, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी मेरी 1-Q2/Q1। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ तो पता चल गई कि अगर मैं मतलब ये दोनों ही टाइप के हीट इंजन हो, उसको रिप्रेजेंट हम कुछ इस तरह से करते हैं, यहाँ पे जो W है ये W नेट होता है, ठीक है, यहाँ से हम कुछ WP अमाउंट का जो वर्क है वो इनपुट दे रहा होंगे, और यहाँ से ये WT टर्बाइन यानी कुछ भी लगाए तो WT मिल रहा है, तो इस नेट वर्क आउटपुट को हम क्या लिख सकते हैं, W लिख देते हैं, तो यही हमारा क्या होता है WT-WP के बराबर होता है। तो ये पूरा का पूरा जितना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम ना बना के, ना ये और ये दोनों ना बना के, हम कुछ इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पे मुझे एफिशिएंसी से एक चीज तो पता चल गई कि किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% तो नहीं हो सकती है, यानी कि वो 1 से तो कम ही होगी, 1-Q2/Q1 आ रहा है, तो अब अगर 100% नहीं हो सकती है तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, अब ये भी मुझे पता लगाना है। अब हीट इंजन में हम काम किस पे करते हैं, इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ये करते हैं ना, तो एफिशिएंसी बढ़ा तो रहे हैं, ठीक है, अब जैसे कि इसकी हमें ये तो पता है कि 100% नहीं हो सकती है, बट मैक्सिमम भी तो पता होना चाहिए कि किसी हीट इंजन की मान लेते हैं कि एफिशिएंसी 60% मैक्सिमम है उसकी, अब उसकी हमने एफिशिएंसी मान लेते हैं कि 58% उसकी निकाल ली, अब फिर भी हम उस पर काम किए जा रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और भी ज़्यादा होनी चाहिए, बट मैक्सिमम उसकी 60% ही है, तो ये भी तो पता होना चाहिए कि कितनी लिमिट है उस हीट इंजन की, उसकी एफिशिएंसी की, किसी भी हीट इंजन की मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है, ये पता करने के लिए कार्नोट ने एक साइकिल दिया जिसको कहते हैं हम कार्नोट साइकिल या फिर कार्नोट हीट इंजन। वो कार्नोट हीट इंजन या फिर कार्नोट साइकिल जो है, इट्स नॉट ए रियल साइकिल, ये सिर्फ एक इमेजिनरी साइकिल है जिसका यूज़ केवल हम एफिशिएंसी को कंपेयर करने के लिए करते हैं, यानी कि अगर कार्नोट साइकिल की जो एफिशिएंसी आएगी वो एक रेफरेंस होगी, यानी कि इससे ज़्यादा एफिशिएंसी किसी भी हीट इंजन की नहीं हो सकती है, ये हमें पता चलता है कार्नोट साइकिल से। तो कार्नोट साइकिल क्या होता है कि कार्नोट साइकिल में सबसे कुछ चीज़ें याद रखनी है, कार्नोट साइकिल की जो एफिशिएंसी होती है वो मैक्सिमम होती है, कार्नोट साइकिल कोई रियल साइकिल नहीं है, ये सिर्फ एक इमेजिनरी साइकिल है, कार्नोट साइकिल जो होता है वो इट्स कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोसेसेस, जिसमें 2 रिवर्सिबल मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस होती हैं और 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होती हैं। ये जो साइकिल है इसमें 4 प्रोसेस हो रही हैं, कौन कौन सी हो रही हैं, 1-2 एक प्रोसेस हो रही है, 1-2 में क्या हो रहा है, कुछ अमाउंट की हीट इसमें हम सिस्टम में दे रहे हैं, ठीक है, ये 1-2 प्रोसेस हो गई, 2-3 कोई एक प्रोसेस हो रही है जिसमें कि WT अमाउंट का वर्क मिल रहा है, फिर 3-4 एक प्रोसेस हो रही है जिसमें कि Q2 अमाउंट की हीट रिलीज हो रही है, फिर 4-1 एक प्रोसेस हो रही है जिसमें कि WP अमाउंट का वर्क हम इस फ्लूइड पे दे रहे हैं, तो ये 4 प्रोसेस हो गई। तो जो कार्नोट साइकिल है वो भी यही साइकिल है, बस इसको आइडियलाइज कर दिया है। अगर मुझे इस हीट इंजन की एफिशिएंसी को मैक्सिमम निकालना है तो मैं क्या करूँगा कि हर एक जो सिस्टम है इसकी या फिर जो गैसेज हैं उसको आइडियलाइज करूँगा, यानी कि कोई भी फ्रिक्शन नहीं मानूंगा, किसी भी तरह की हीट इसमें से जो है वो लॉस नहीं हो रही होगी, सारी की सारी जो बॉल्स हैं पंप और जो टर्बाइन है उनको मैं आइसोलेटेड मान के चलूँगा, एडियाबेटिक बॉल्स मान के चलूँगा, तो इस तरह की कुछ मैं एजम्पशंस लूँगा, तो यही मेरा हीट इंजन है, यही मेरा बन जाएगा कार्नोट हीट इंजन। और आपको पता है कि आइडियल चीज़ें तो कुछ एग्जिस्ट करती नहीं है, उनका सिर्फ हम एज ए रेफरेंस लेते हैं, तो कार्नोट हीट इंजन भी क्या होता है, रियल नहीं होता, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए होता है, तो उसकी जो एफिशिएंसी आती है वो मैक्सिमम आती है। तो कार्नोट साइकिल को ही हम रिवर्सिबल हीट इंजन कहते हैं, इसी को कार्नोट हीट इंजन कह सकते हैं, कार्नोट साइकिल कह सकते हैं या रिवर्सिबल साइकिल कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें पता करना है कि कार्नोट साइकिल की जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम कैसे होती है या फिर कार्नोट साइकिल क्या होता है। तो अब बात करते हैं हम कार्नोट साइकिल, कार्नोट हीट इंजन या फिर रिवर्सिबल हीट इंजन की। तो इसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है, कोई भी कार्नोट साइकिल है उसमें 4 प्रोसेस होती है। सबसे पहली क्या होती है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, सेकंड होती है रिवर्सिबल, इसमें सारी प्रोसेस क्या होती है, रिवर्सिबल रिवर्सिबल एडियाबेटिक, फिर थर्ड प्रोसेस क्या होती है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, और जो फोर्थ प्रोसेस है वही होती है क्या, रिवर्सिबल, वो क्या होती है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक। तो ये जो 4 प्रोसेस हैं, यही 4 प्रोसेस ये वाली हैं जो मैंने अभी बताई, 1-2, 2-3, 3-4, 4-1। तो अब जो 1-2 प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या कौन सी होती है, ये जो हीट एड होती है वो आइसोथर्मली हीट एडिशन होता है इसमें। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो कार्नोट है, कार्नोट ने जो हीट एडिशन की जो प्रोसेस है, यानी कि 1-2 जो प्रोसेस हो रही है उसको आइसोथर्मली क्यों माना, उसको आइसोकोरिक आइसोबारिक कुछ भी तो मान सकते थे, बट आइसोथर्मली क्यों माना, आइसोथर्मल इसलिए माना है क्योंकि आइसोथर्मल में मैंने आपको बताया था, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि जो हम हीट सप्लाई करते हैं वो डायरेक्टली कन्वर्ट किसमें होती है, वर्क में, यानी कि जो मेरी गैसेस हैं वो अगर आइडियल हैं तो उनके लिए इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है कि जो भी मेरी एनर्जी है वो वेस्टेज नहीं होती है किसी भी तरह की इंटरनल एनर्जी के चेंज में, तो इसलिए जो प्रोसेस है उसको रिवर्सिबल आइसोथर्मल माना। और इसको रिवर्सिबल एडियाबेटिक क्यों माना, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि जो मेरा टर्बाइन या पंप है इन दोनों की जो वॉल्स हैं उनको मैं आइसोलेटेड मान के चलता हूं, यानी कि वहां से कुछ भी किसी भी तरह की हीट लॉस नहीं हो रही,
रही है, अगर हीट लॉस नहीं हो रही है, तो वहाँ पे क्या होगी, वो प्रोसेस कौन सी होगी, एडियाबेटिक हो जाएगी, यानी कि जो मेरा वर्क डन टर्बाइन से जो वर्क मिलेगा वो मुझे इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हो रहा है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, टर्बाइन वर्क में। तो यहाँ पे भी मुझे वर्क जो आउटपुट मिल रहा है वो मैक्सिमम मिल रहा है। तो इसलिए ये जो चार प्रोसेस हैं, ये मैंने चारों प्रोसेस आपको पता चल गया होगा कि ये वन से टू, इसको मैं जो हीट ऐड करूँगा वो आइसोथर्मली ऐड करूँगा, हीट रिजेक्ट करूँगा वो भी आइसोथर्मली हीट रिजेक्शन होगा इसमें, और जो वर्क आउटपुट मिल रहा होगा टर्बाइन से वो मुझे एडियाबेटिकली मिल रहा होगा, और जो जो हम वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं पंप के जरिए वो भी एडियाबेटिकली हम प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो जो सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है, वन से टू में क्या होगी, रिवर्सिबल आइसोथर्मल यानी कि वन टू टू प्रोसेस होगी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, मेरा हीट जो सप्लाई कर रहा हूँ मैं क्यू वन, वो होगी डेल्टा ई प्लस वर्क डन इन प्रोसेस वन टू टू। अब अगर ये जो मेरा आइडियल गैस होगी तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा ई, ये हो जाएगा मेरा जीरो के बराबर हो जाएगा। तो जो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है वो होगी मेरी कौन सी, टू टू थ्री, जो मुझे वर्क डन बाय टर्बाइन मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू टू टू थ्री, यहाँ पे क्यू टू टू थ्री क्या होगी मेरी, डेल्टा ई प्लस वर्क डन बाय टर्बाइन। तो यहाँ पे क्यू टू टू थ्री एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा जीरो। तो यहाँ पे जो वर्क डन बाय टर्बाइन है ये क्या हो जाएगा मेरा, डेल्टा ई के बराबर, माइनस डेल्टा ई, ठीक है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल यानी कि जो मेरी थ्री टू फोर प्रोसेस है, ये होगी मेरी थ्री टू फोर होगी। इस प्रोसेस में क्या हो रहा होगा, क्यू टू अमाउंट की जो हीट है वो हम आइसोथर्मली इससे सिस्टम से रिलीज कर रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी मेरी, क्यू टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू टू टू थ्री टू फोर, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा इस ये वाली प्रोसेस। अब अगर मैं फोर टू वन की बात करूँ तो वो क्या होगी, रिवर्सिबल एडियाबेटिक फोर टू वन। तो यहाँ पे वर्क डन बाय पंप क्या हो जाएगा, डेल्टा ई के बराबर। तो ये मेरी चारों प्रोसेसेस हो गई, ये मेरा क्या है, कार्नोट साइकिल, ठीक है। तो कार्नोट साइकिल को अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँ तो वो मैं इस तरह से कर सकता हूँ, यानी कि जो वन से टू प्रोसेस होती है वो रिवर्सिबल आइसोथर्मल होती है, यानी कि इस वन टू टू प्रोसेस रिवर्सिबल आइसोथर्मली मैं हीट को ऐड करता हूँ क्यू वन एट टेम्परेचर टी वन, ठीक है। और टू टू थ्री जो प्रोसेस होती है वो एडियाबेटिक प्रोसेस होती है, जिसमें कि हमें वर्क टर्बाइन से कुछ वर्क मिलता है जो कि डब्ल्यू टी है, ठीक है। और थ्री टू फोर जो क्या है, ये भी कौन सी होती है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, यहाँ पे कुछ क्यू टू अमाउंट की हीट रिलीज होती है एट टेम्परेचर टी टू। फिर जो फोर टू वन जो प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है, एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, जिसमें कि हम पंप से कुछ वर्क प्रोवाइड करते हैं फ्लूइड पे। तो ये हो गई हमारी कार्नोट साइकिल का या फिर कार्नोट हीट इंजन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं कि ये कार्नोट हीट इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो मैक्सिमम होती है, यानी कि अगर दो हीट इंजन लगे हुए हैं सेम टेम्परेचर पे, यानी कि एक सोर्स टेम्परेचर है और एक सिंक का टेम्परेचर टी टू, अब इन दोनों टेम्परेचर के बीच में दो हीट इंजन लगे हुए हैं, यानी कि जो पहला हीट इंजन है वो है रिवर्सिबल और जो दूसरा है वो है इरिवर्सिबल। तो जो रिवर्सिबल हीट इंजन है या फिर जिसको हम कहते हैं कार्नोट हीट इंजन, उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू इरिवर्सिबल हीट इंजन। और दूसरी क्या चीज याद रखनी है कि अगर सेम टेम्परेचर पे दो रिवर्सिबल हीट इंजन लगे हुए हैं तो उनकी एफिशिएंसी सेम होगी, यानी कि मतलब सेम टेम्परेचर लिमिट पे अगर हीट इंजन, कितने भी हीट इंजन लगा दूं मैं रिवर्सिबल हीट इंजन, तो उनकी एफिशिएंसी हमेशा सेम होगी। तो अब ये प्रूफ करते हैं, हम मानते हैं कि यहाँ पे एक सोर्स लगा हुआ है जिसका टेम्परेचर है टी वन और यहाँ पे है सिंक जिसका टेम्परेचर है टी टू, ठीक है। यहाँ पे एक हीट एक्सचेंजर हीट इंजन लगा हुआ है जो है ई ए और दूसरा हीट इंजन लगा हुआ है यहाँ पे ई बी। ये जो हीट इंजन है मेरा, ये है मेरा इरिवर्सिबल है और ये मेरा हीट इंजन रिवर्सिबल है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ हीट इसमें सप्लाइड हो रही है क्यू वन ए और ये कुछ हीट को रिलीज कर रहा है क्यू वन बी अमाउंट की हीट को, और यहाँ से हीट इसमें इनपुट हो रही है जो रिवर्सिबल हीट इंजन है इसमें हो रही है क्यू वन बी और ये रिलीज कर रहा है कुछ क्यू टू बी, ठीक है। ये वर्क हमें आउटपुट दे रहा है डब्ल्यू ए और यहाँ से वर्क आउटपुट मिल रहा है हमें डब्ल्यू बी। अब जो मेरा जो कार्नोट थ्योरम है वो क्या कहती है कि अगर सेम टेम्परेचर लिमिट पे दो हीट इंजन लगे हुए हैं और एक जो रिवर्सिबल हीट इंजन होगा या फिर कार्नोट हीट इंजन होगा उसकी एफिशिएंसी हमेशा ज़्यादा होगी, यानी कि एफिशिएंसी ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ ए, ठीक है। ये कार्नोट थ्योरम कहती है हमारी। तो अगर मुझे ये प्रूफ करना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ अज्यूम करता हूँ दैट एफिशिएंसी ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ बी। तो मैंने एक चीज़ अज्यूम की कि एफिशिएंसी ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ बी। अब अगर मैं ये जो मैंने स्टेटमेंट जो मैंने अज्यूम किया, अगर मैं इसको रॉन्ग प्रूफ कर दूँ तो इसका मतलब है कि ये मेरा ट्रू हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रॉन्ग प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ। तो इसको कैसे करूँगा मैं, मैंने क्या एक और चीज अज्यूम की कि ये जो हीट इनपुट हो रहा है इन दोनों में Q1A और Q1B ये सेम है, यानी कि Q1A अमाउंट की जो हीट है वो Q1A बराबर है Q1B की और इसको मैं कुछ Q1 अमाउंट की हीट इनपुट मान लेता हूं, इतनी हो रही है, ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ ए क्या है जो मैंने अज्यूम किया है, वो क्या, एफिशिएंसी ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ बी। तो एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क आउटपुट क्या हो रहा है मेरा, WA बाय Q1 विल बी ग्रेटर देन WB बाय Q1, ये होगी मेरी एफिशिएंसी। तो यहाँ से Q1 Q1 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि WA विल बी ग्रेटर देन WB, यानी कि ये जो मेरा WA अमाउंट का वर्क है वो बड़ा ज़्यादा होगा WB अमाउंट के वर्क से। अगर इस इनइक्वालिटी को हटाता हूँ तो मान लेता हूँ कि मैं WA बराबर होगा कुछ WB और कुछ अमाउंट का वर्क इसमें एक्स्ट्रा हमें मिल रहा है WA में, जो कि मैंने WB में अगर ऐड कर देता हूँ तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, क्योंकि ये मेरा जो बी जो हीट इंजन है ये मेरा रिवर्सिबल है, तो मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में भी चला सकता हूँ।
कैसे चला सकता हूँ, मतलब कि ये जो मेरा, इसको मैं पूरा का पूरा उल्टा भी कर सकता हूँ, यानी कि ये जो Q2B है ये हीट इंजन में अब जा रही होगी, और ये कितनी सोर्स जो T1 टेम्परेचर, इसमें कितनी Q1B अमाउंट की हीट को दे रहा है, और यहाँ पे हम हीट जो वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं वो WB अमाउंट का वर्क दे रहे हैं इसमें, तो ये मेरा रिवर्स में हो गया। क्योंकि रिवर्सिबल हीट इंजन या फिर रिवर्सिबल साइकिल की यही प्रॉपर्टी होती है कि उसको आप रिवर्स में भी कर दें तो उसकी जो भी क्वांटिटी होती है, प्रॉपर्टीज होती हैं, वो चेंज नहीं होती हैं। तो इसको मैंने अपोजिट डायरेक्शन में भी कर दिया। अब क्योंकि मैंने अज्यूम करके रखा है Q1A Q1B ये बराबर है, तो ये तो मेरा Q1 Q1 के बराबर मान सकता हूँ मैं। अब यहाँ पर ये जो मेरा रिवर्सिबल हीट इंजन है, यहाँ पे मुझे कितनी अमाउंट का वर्क देना पड़ रहा है, WB अमाउंट का वर्क देना पड़ रहा है, और जो मेरा हीट इंजन ए है ये कितना अमाउंट का वर्क प्रोवाइड कर रहा है मुझे, WA। तो यहाँ से मैंने देखा है कि जो WA अमाउंट का जो वर्क है वो तो मुझे इससे ज़्यादा ही, मतलब जो मेरा WB अमाउंट का वर्क जो जितना मुझे देना पड़ रहा है इस हीट इंजन में, उससे ज़्यादा तो मुझे यहाँ से ये जो मेरा ए हीट इंजन है ये मुझे दे रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इस डायरेक्ट इन दोनों को कनेक्ट कर सकता हूँ क्या, ये जो मेरा WB, जो मेरा हीट इंजन ए मुझे WA अमाउंट का वर्क दे रहा था वो मैं डायरेक्टली इसमें प्रोवाइड कर दूँ। तो ये मैंने कुछ यहाँ से WB अमाउंट का वर्क इसमें प्रोवाइड कर दिया, और यहाँ से मिल कितना मुझे रहा था WA, तो कुछ ना कुछ वर्क आउटपुट मुझे बच रहा होगा जिसको मैं डेल्टा डब्ल्यू बोल सकता हूँ, डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है, जो बराबर होगा WA माइनस WB के, क्लियर है। क्योंकि यहाँ से मुझे WA अमाउंट का वर्क मिल रहा था जो मैंने सप्लाई किया किसमें, जो हीट इंजन बी है उसको कितना चाहिए था, WB का चाहिए था, तो उसके मुझे कुछ ना कुछ नेट वर्क आउटपुट तो मेरे पास बच ही जाएगा जो बराबर होगा डेल्टा डब्ल्यू के। अब यहाँ से एक और चीज़ देखें, तो यहाँ से ये जो मेरा रिवर्सिबल हीट इंजन है वो कितनी अमाउंट की हीट रिलीज कर रहा है, Q1 अमाउंट की, और जो मेरा हीट इंजन ए है इसको कितनी अमाउंट की ज़रूरत है हीट की, वो भी Q1 की है। तो यहाँ पे अगर मैं सोर्स को ही हटा देता हूँ तब भी, और इन दोनों को डायरेक्टली कनेक्ट कर दूँ, तो ऐसा चल जाएगा क्या, क्योंकि ये Q1 अमाउंट की हीट डायरेक्टली सप्लाई में किसमें कर दूँ, अगर हीट इंजन ए में कर दूँ। यहाँ से दिक्कत क्या आती है कि मुझे ये जो मेरा साइकिल ये पूरा काम तो चल रहा है, ठीक है, और मुझे अमाउंट का कुछ अमाउंट का वर्क भी मिल रहा है, बट क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि केल्विन प्लैंक का जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि कोई भी हीट इंजन मतलब सिर्फ सिंगल सोर्स पे काम नहीं कर सकता है, तो ये सिंगल सोर्स से काम चला रहा है, ये पूरा हीट इंजन एक सिंगल सोर्स पे काम चल रहा है, ये कहीं से भी हीट को रिलीज नहीं कर रहा है, ये Q2B अमाउंट की हीट को ले रहा है, Q1 अमाउंट की डायरेक्टली हम सप्लाई कर रहे हैं इसी हीट इंजन में, यानी कि हीट को हम किसी एक अदर रिजर्वायर में हम सप्लाई नहीं कर रहे हैं या फिर रिलीज नहीं कर रहा है, तो ये इस तरह का हीट इंजन पॉसिबल ही नहीं होता है। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो जो मैंने अज्यूम किया था ये गलत होगा, अगर ये गलत होगा तो ये सही होगा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर दो सेम टेम्परेचर सोर्सेज पे अगर दो हीट इंजन काम कर रहे हैं तो जो रिवर्सिबल हीट इंजन होगा उसकी एफिशिएंसी हमेशा मैक्सिमम होगी। और एक और चीज़ क्या याद रखनी है कि सारे के सारे रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी सेम होगी अगर वो सेम टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं, सेम टेम्परेचर सोर्स और सिंक का टेम्परेचर अगर सेम है, और उनके बीच में कितने भी आप रिवर्सिबल हीट इंजन लगा दो या फिर कारनोट हीट इंजन लगा दो, उनकी जो एफिशिएंसी होगी वो हमेशा सेम होगी। अभी हमने देखा कि जो रिवर्सिबल हीट इंजन होगा या फिर कारनोट हीट इंजन होगा उसकी एफिशिएंसी केवल और केवल सोर्स और सिंक के जो टेम्परेचर है उसके ऊपर डिपेंड करेगी, या और दूसरा भी एक स्टेटमेंट है कि जितने भी हीट इंजन होंगे, रिवर्सिबल हीट इंजन होंगे, अगर सोर्स और सिंक का टेम्परेचर सेम टेम्परेचर लिमिट पर अगर वो वर्क कर रहे हैं तो उनका एफिशिएंसी सेम होगी और केवल T1 और T2 टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। मतलब कि जो एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन होगा वो फंक्शन होगी केवल और T1 और T2 टेम्परेचर का। अब मुझे ये प्रूफ करना है, मतलब कि अगर मेरा ये T1 टेम्परेचर है सोर्स, सिंक है मेरा जो कि T2 टेम्परेचर पे, इसके बीच में मैं कितने भी हीट इंजन लगा दूँ, रिवर्सिबल हीट इंजन, वो उनकी एफिशिएंसी हमेशा सेम होगी, और जो एफिशिएंसी होगी वो केवल फंक्शन होगी T1 और T2 टेम्परेचर के। और इसके बीच में अगर मैं जो रिवर्सिबल हीट इंजन है और एक इरिवर्सिबल हीट इंजन लगा दूँ तो जो रिवर्सिबल हीट इंजन होगी उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा ही होगी इरिवर्सिबल से। तो क्या होगा, एफिशिएंसी अभी मैंने देखा कि फंक्शन ऑफ T1 और T2 के है। अब मैं यहाँ पे कुछ हीट इंजन को मान के चल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक हीट इंजन माना मैंने, यहाँ पे E1 है, ये Q1 अमाउंट की हीट को यहाँ से सोर्स टेम्परेचर T1 से ले रहा है, यहाँ से जो वर्क दे रहा है मुझे वो W1 अमाउंट का वर्क यहाँ से मिल रहा है, और ये हीट रिलीज कर रहा है कुछ Q2 अमाउंट की हीट रिलीज कर रहा है एट टेम्परेचर T2, और ये T2 और ये जो मेरा सिंक है एट टेम्परेचर T3, इन दोनों के बीच में भी एक हीट इंजन लगा हुआ है जो कि यहाँ से हीट सप्लाई कर रहा है Q3 अमाउंट की हीट को, यह है मेरा हीट इंजन E2, और जहाँ से वर्क मुझे मिल रहा है W3 अमाउंट का वर्क मिल रहा है मुझे, ठीक है, और एक इन दोनों के बीच में एक और हीट इंजन लगा हुआ है। ये सारे के सारे हीट इंजन क्या है, रिवर्सिबल है। अब हम कारनोट साइकिल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सारे के सारे जो हीट इंजन होंगे वो रिवर्सिबल ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक E3 है, यहाँ से ये जो हीट ले रहा है वो Q1 अमाउंट की हीट ले रहा है, यहाँ से वर्क प्रोवाइड कर रहा है मुझे, ठीक है, यहाँ पे ये जो वर्क है W2 है, और यहाँ पे ये जो वर्क मिल रहा है मुझे W3, और यहाँ से Q3 अमाउंट की हीट को इस सिंक में ये प्रोवाइड कर रहा है एट टेम्परेचर T3। अभी मैंने बताया कि एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन इज ए फंक्शन ऑफ T1 और T2 टेम्परेचर, यानी
यानी किसी भी हीट इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, 1 - Q2 / Q1, जहाँ पे Q2 क्या होती है हीट रिलीज और Q1 क्या है हीट इनपुट, बराबर होगी फंक्शन ऑफ T1, T2 के, ठीक है। ये अब अगर मैं इसको Q1 / Q2 लिख दूँ, Q1 / Q2, ये भी क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट है, इसको मैं अगर हटा दूँ और Q1 / Q2, तो ये नया फंक्शन हो जाएगा T1 और T2 का, ठीक है। अब ये मेरा क्या है, हीट इंजन वन के लिए है, क्योंकि Q1 और Q2 जो कि T1 और T2 टेम्परेचर पे की लिमिट पे ये काम कर रहा है, यहाँ पे ये कैपिटल T2 है, ठीक है। अब अगर मैं इसके लिए बात करूँ तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, जो कि हीट कहाँ कितनी ले रहा है, यहाँ पे Q2 अमाउंट की हीट सप्लाई हो रही है इस हीट इंजन टू में, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ Q2 / Q3 विल बी इक्वल टू फंक्शन ऑफ T2, T3। और अगर मैं हीट इंजन थ्री के लिए लिखूँ तो वो क्या लिख सकता हूँ, Q1 / Q3 विल बी ए फंक्शन ऑफ T1, T3। अब यहाँ पे जो Q1 / Q2 है इसको अगर मैं लिखूँ Q1 / Q3 / Q2 / Q3, ये लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि Q3 कैंसिल हो जाएगा। तो जो Q1 / Q3 है, Q1 / Q3 ये क्या है, फंक्शन ऑफ T2 / T3, फंक्शन ऑफ T1 और T3 का फंक्शन है। और जो Q2 / Q3 है, Q2 / Q3 इज ए फंक्शन ऑफ T2, T3, फंक्शन ऑफ T2, T3। और ये जो मेरा Q1 / Q2 है ये क्या है, फंक्शन ऑफ T1, T2। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये जो फंक्शन ऑफ T1, T3 फंक्शन ऑफ T2, T3 है, ये बराबर है फंक्शन ऑफ T1 और T2, यानी कि यहाँ से T3, T3 दोनों में से कैंसिल हो रहा होगा। तो मैं इस फंक्शन ऑफ T1, T3 और फंक्शन ऑफ T2, T3 को एक अलग फंक्शन में लिख सकता हूँ फाई के टर्म में, मतलब लिख देता हूँ मैं फाई ऑफ T1 लिख सकता हूँ, और इसको भी मैं फाई के टर्म्स में कुछ T2 लिख सकता हूँ, ठीक है, इज ए फंक्शन ऑफ T1, T2। तो ये फाई जो फंक्शन है T1 और T2, इसको मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, एक सिंपल सा फंक्शन क्या लिख सकता हूँ, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर में लिख सकता हूँ मैं T1 / T2। तो ये T1 / T2 बराबर किसका है, Q1 / Q2। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है, दैट Q1 / Q2 विल बी इक्वल टू T1 / T2, यानी कि अगर कार्नोट साइकिल है या फिर कार्नोट हीट इंजन या फिर रिवर्सिबल हीट इंजन है, उसके लिए Q1 / Q2 बराबर होगा T1 / T2, यानी कि जिस टेम्परेचर पे हीट को हम ऐड कर रहे हैं और जिस टेम्परेचर पे हीट को हम रिलीज़ कर रहे हैं, उन दोनों के जो अगर मैं रेशोज निकालूँ तो वो रेशो बराबर होगा, यानी कि हीट का रेशो और जो टेम्परेचर का रेशो है वो दोनों बराबर होंगे। अब यहाँ से मैं एफिशिएंसी क्या निकाल सकता हूँ, मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन वो क्या हो जाएगी मेरी, 1 - Q2 / Q1। अब अगर मेरा एक हीट इंजन है जो कि एक सोर्स टेम्परेचर T1 और एक T2 टेम्परेचर पे वर्क कर रहा है, जिस पे कि हीट Q1 अमाउंट की हीट हम सप्लाई कर रहे हैं और Q2 अमाउंट की है हीट को रिलीज़ कर रहा है, और वर्क हमें कुछ दे रहा है W अमाउंट का, ये वर्क हमें दे रहा है, तो इसकी मैं एफिशिएंसी क्या लिखूंगा, एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन क्या होती है, मतलब किसी भी हीट इंजन के लिए क्या होती है, 1 - Q2 / Q1, जो कि बराबर होगी, और मैं अगर ये मेरा रिवर्सिबल है तो Q2 / Q1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, T2 / T1 लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 1 - T2 / T1। तो ये जो मेरी एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन, ये क्या है, 1 - T2 / T1, यही मेरी क्या है, मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी। और अगर यही इंजन मेरा इरिवर्सिबल इंजन होता तो उसके लिए एफिशिएंसी क्या होती, 1 - Q2 / Q1। ये आप दो चीज़ें याद रखना है, क्यों क्या याद रखना है, जैसे कि क्वेश्चंस बहुत सारे जो गेट में क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने के लिए आते हैं, और ये आपको बोल देगा कि ये इरिवर्सिबल है बट इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी किसकी होती है, कार्नोट हीट इंजन की, और कार्नोट हीट इंजन ही क्या होता है, रिवर्सिबल साइकिल हीट इंजन, तो उसी के लिए हम क्या बोलते हैं कि 1 - T2 / T1 ही क्या होती है, एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन। और ये जो 1 - Q2 / Q1 है ये दोनों के लिए वैलिड है, ये रिवर्सिबल के लिए भी वैलिड है और इरिवर्सिबल के लिए भी वैलिड है, और ये कंडीशन है ये केवल हम किसके लिए कर सकते हैं, रिवर्सिबल के लिए कह सकते हैं, ठीक है, इरिवर्सिबल के लिए ये कंडीशन हम नहीं लगा सकते हैं। तो ये कार्नोट हीट इंजन का हमारा जो जर्नी थी इन क्लॉसियस इनक्वालिटी तक की, वो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसके अगले वाले पार्ट में हम क्लॉसियस इनक्वालिटी तक पहुँचेंगे।